दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय फिल्मों के महान निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर के बालाचंद्र के बारे में। यूट्यूब पर तो आप सभी दर्शकों ने के बालाचंद्र के बारे में छोटी मोटी बायोग्राफी वीडियो तो जरूर देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम के बालाचंद्र की बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी को विस्तार से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम मान क्यों न ले फालतू, हम इनकी परीक्षा से डरते हैं क्या? ये कुछ भी कर लें, हमारे दिल नहीं बदलेंगे, हमारा प्यार नहीं बदलेगा, ये मेरा अटल विश्वास। के बालाचंद्र का जन्म 9 जुलाई सन 1930 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी नानिलम के तंजौर जिले में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दंडपति बालाचंद्र और माता का नाम सरस्वती बालाचंद्र था। यहाँ पर आपको बता दें, के बालाचंद्र का पूरा नाम कैलाशम बालाचंद्र है। इन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर के तौर पर लगभग अपना आधा जीवन फिल्म उद्योग को ही समर्पित कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें 8 वर्ष की उम्र से ही सिनेमा के प्रति एक खास लगाव हो गया था और अपने स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नाटकों में बड़े ही जोर शोर से भाग भी लिया करते थे। के बालाचंद्र जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अन्नामलाई विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विषय से लेकर पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने सन 1949 में मुथुपेट के तिरुबरु जिले में एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय तक शिक्षक के तौर पर काम करने के बाद के बालाचंद्र सन 1950 में चेन्नई, जो कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, वहां जाकर के बालाचंद्र महालेखाकार के कार्यालय में एक प्रशिक्षु लिपिक बन गए। और अपना प्रशिक्षु लिपिक का काम करने के दौरान ही के बालाचंद्र यूनाइटेड एमेच्योर आर्टिस्ट नामक नाटक कंपनी में शौकिया तौर पर जुड़ गए और स्क्रीन राइटर के तौर पर वे उस नाटक कंपनी में काम करने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने उस नाटक कंपनी से बाहर निकलकर खुद की एक मंडली बनाई। उनकी मंडली श्रीकांत, नागेश और जानकी जैसी प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों में बनी थी, जो सभी भारत में एक अभिनेता के तौर पर काम करते थे। ये उस समय की बात है जब के बालाचंद्र उस जमाने में एक शौकिया लेखक के तौर पर लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उस समय अंग्रेजी भाषा में मेजर चंद्रकांत लिखा था, लेकिन मद्रास में अंग्रेजी भाषा का दायरा बहुत सीमित था, इसलिए उन्होंने तमिल भाषा में मेजर चंद्रकांत को फिर से लिखा, जो नाटक उस समय काफी लोकप्रिय रही। उस दौर में इस नाटक के अलावा के बालाचंद्र ने नवग्रहम, सर्वर सुंदरम, नानल नीर कुमझी जैसी और बहुत सारी नाटकों का निर्माण और निर्देशन भी किया। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कब के बालाचंद्र जी ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में निर्माण, निर्देशन और पटकथा लेखन की शुरुआत की। जब के बालाचंद्र महालेखाकार के कार्यालय में काम किया करते थे तो उन्हें सन 1965 की तमिल फिल्म धीवाधाई के लिए संवाद लिखने का प्रस्ताव मिला। पहले तो संवाद लिखने के लिए के बालाचंद्र झिझक रहे थे, क्योंकि वो उस समय थिएटर में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे, लेकिन एक दोस्त के जोर देने पर के बालाचंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इस तरह से फिल्म धीवाधाई के संवाद लिखने के बाद इनके पास और भी बहुत सारी फिल्मों के संवादों को कलमबद्ध करने के प्रस्ताव आए और धीरे धीरे के बालाचंद्र पटकथा लेखन में अच्छी तरह से शामिल होते गए। लेकिन बाद में कई फिल्म निर्माताओं ने उनकी क्षमता को देखते हुए थमराई नेंजम फिल्म के साथ उन्हें फिल्म निर्माण एवं निर्देशन में लाया। थमराई नेंजम फिल्म में काम करने के बाद के बालाचंद्र एक निर्माता बन गए और उनके बैनर कविताले प्रोडक्शन के तहत मुथु रोजा जट्ठी मल्ली जैसी फिल्में उन्होंने दर्शकों के सामने प्रस्तुत की और इन सारी ही फिल्मों को दर्शकों ने उस दौर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया। वैसे तो के बालाचंद्र दक्षिण भारत में अपनी विशिष्ट फिल्म निर्माण शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी फिल्मों का निर्देशन, निर्माण और पटकथा लेखन का काम किया है। अपने करियर में के बालाचंद्र ने दक्षिण भारत में तमिल फिल्म उद्योग में ज्यादा योगदान दिया और तमिल सिनेमा में सैकड़ों अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को पेश किया, जिनमें कमल हसन, रजनीकांत, प्रकाश राज, विवेक, अर्चना, सुहासिनी, राधा और शोभना। के बालाचंद्र की उल्लेखनीय तमिल फिल्में हैं, जैसे सन 1975 की फिल्म अपूर्व रागंगल। यह फिल्म एक पिता पुत्र के रिश्ते से संबंधित है, जो एक जटिल दुविधा में परिणत होता है। सन 1977 की फिल्म अबरगल। यह फिल्म एक तलाकशुदा के जीवन का अनुसरण करती है। सन 1980 की फिल्म बरी माइन निराब सिगप्पू। यह फिल्म एक बड़े और कठोर शहर में तीन शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को कष्टों को दर्शाती है। सन 1981 की फिल्म 47 नाटकल। ये फिल्म पेरिस के एक उपनगर में अपमानजनक प्रवासी पति के साथ रहने वाली एक नवविवाहित भारतीय महिला की विपत्तियों का पता लगाती है। और सन 1985 की फिल्म सिंधु भैरवी। ये फिल्म प्रख्यात कर्नाटक संगीतकार और उनकी उत्साही महिला आलोचक के बीच बौद्धिक टकराव और उसके बाद के प्रेम संबंध को प्रदर्शित करती है।
के बालाचंद्र ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों का भी निर्माण निर्देशन किया है, जिसमें सन 1968 की हिंदी फिल्म तीन बहु रानियां, जो कि तेलुगु फिल्म भले कोडलू की रीमेक थी। आजकल ये भी शीला देवी का नाम जपने लगे। उनकी बात छोड़ो, पहले ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। अगर ये दिन को नहीं जाते हैं तो क्या रात को जाया करते हैं? हाँ, ऐसे ही होगा। हम रात को भी देखें तो? आज ही रात को देखेंगे। और सन 1971 की हिंदी फिल्म मैं सुंदर हूँ, जो कि तमिल फिल्म सरबरम सुंदरम की रीमेक थी, और उसी वर्ष हिंदी की फिल्म लाखों में एक, जो कि तमिल फिल्म एथिर नीलाचल की रीमेक थी। दर्जा बढ़ाना होगा, यानी 8वीं क्लास से ज्यादा पढ़ना होगा, MBBS पास करना होगा। अमर, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा। मैं उस दर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा सन 1972 की हिंदी फिल्म हार जीत, जो कि तमिल फिल्म थमराई नेंजाम की रीमेक थी। सन 1977 की फिल्म आईना, जो कि तमिल फिल्म अरंगेत्रम की रीमेक थी। तू नौकरी करेगी? हाँ करूँगी। आप पंचायत बोर्ड के चेयरमैन हैं, इतने लोगों को जानते हैं, क्या मुझे एक नौकरी नहीं दिलवा सकते? और सन 1981 की हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए, जो कि तेलुगु फिल्म मारो चरित्र की रीमेक थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि इनकी हिंदी में सन 1992 की एक फिल्म ऐसी भी थी जो कभी रिलीज ही ना हो पाई। दोस्तों, अगर हम बात करें के बालाचंद्र की सबसे सफल हिंदी फिल्म की, तो उसका नाम है एक दूजे के लिए, जो कि सन 1981 को रिलीज हुई थी। उनकी इस सफल हिंदी फिल्म ने दो फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे, जिसमें एक निर्देशन के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए। प्रेम की भाषा ही दूसरी है, इसमें जो हार जाता है उसे कहते हैं जीत गया, और जो जीत जाता है उसे कहते हैं हार गया। साथ ही साथ के बालाचंद्र को कला में उनके योगदान के लिए सन 1987 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अगर बात करें के बालाचंद्र के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो इनकी शादी हुई थी राजम के साथ, जिससे इनकी तीन संतानें हुई, दो बेटे और एक बेटी। बेटे का नाम कैलासम प्रसन्ना और बेटी का नाम पुष्पा। आपको बता दें के बालाचंद्र एक लंबी बीमारी से लड़ रहे थे, जिसके कारण इन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। और वहीं के बालाचंद्र साहब ने 23 दिसंबर सन 2014 को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही आज के बालाचंद्र साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा निर्देशित व निर्माण की गई फिल्मों को देखकर हम उन्हें याद जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तथा बॉलीवुड से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।